फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक चटपटी रेसिपी लेके। और आज की रेसिपी है तवा पुलाव। ये मुंबई का स्ट्रीट फूड है और बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी, यम्मी होता है। तो चलिए देख लेते हैं तवा पुलाव की रेसिपी। और लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं रेसिपी। तो तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बॉइल्ड राइस की ज़रूरत होगी। और मैं यहाँ पे देखिए, राइस बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी चढ़ा दिया है और चावल ले लिया है। जो हम डेली में यूज़ करते हैं वही चावल मैंने लिया है। आप अगर दूसरे चावल, बासमती चावल या लंबे वाले जो चावल होते हैं वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो देखिए, गरम गरम पानी में चावल डाल के मैंने पका लिया है। और चावल हमें 90% ही कुक करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाने हैं। और इसका पानी अब हम निथार लेंगे। तो इस जाली वाले बर्तन में चावल का पानी मैं निकाल लेती हूँ। और इधर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और ये कुछ सब्जियाँ ली है, तो गाजर, पत्ता गोभी, और यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमेटो लिए हैं और प्याज लिया है 1 बड़े साइज़ का, 2 हरी मिर्च और ये बॉइल्ड आलू है और फ्रोज़न मटर लिया है। अब मेरे पास बड़ा तवा नहीं है तो मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा बटर डाला था। वो गर्म होने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास बड़ा तवा हो तो उसमें बनाइए, मेरे पास तो है नहीं। वैसे तो ये रेसिपी तवे पे बनाई जाती है। तो देखिए, लहसुन अदरक के बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च डाली है। आप चाहे तो ज़्यादा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज को थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ये सब्जियाँ। तो पत्ता गोभी डाल दी है और एक गाजर, जिसे बारीक पीस में मैंने किया था, बारीक पीसेस किए थे, वो डाल दिया है। इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा क्या टेस्ट अनुसार नमक डालना है, आप जैसा नमक खाते हो कम या ज़्यादा वैसे डालिए। और मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की है। और अब बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर इसमें ज़्यादा ही पड़ते हैं, ज़्यादा टमाटर से ही इसका अच्छा टेंगी सा टेस्ट आता है। अब हमने यहाँ पे 2 मिनट में ही टमेटो भी कुक कर लिए हैं और अच्छे से मैश कर लिए हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये पाव भाजी मसाला लिया है 1 चम्मच, और इसका मेन इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला ही है। तो अभी 1 टेबल स्पून डाला है। इसके बाद हम और इसमें ऐड करेंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। अब बारी आती है आलू की। और ये आलू जो है मैंने बॉयल्ड आलू को बारीक पीसेस में चॉप करके लिया था, और ये फ्रोज़न मटर है। तो अगर आप फ्रोज़न मटर नहीं लेते, फ्रेश लेते हैं, तो वो सब्जियों के साथ स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा। अब हमारे ये सारी सब्जियां जो है थोड़ा मसाला एब्जॉर्ब कर ली हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून टमेटो केचप डाल रही हूँ, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। अब फिर से मैं 1/2 चम्मच यहाँ पर डालती हूँ पाव भाजी मसाला, और थोड़ा सा मैं यहाँ डालती हूँ बटर। और अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए, टेंगी टेस्ट के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप डाला था। अब 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें डालते हैं राइस जो हमने बॉइल करके रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितने खुले खुले, खिले खिले राइस हैं। तो अभी थोड़ा डाला है मैंने, इसे धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं पूरा राइस इसमें ऐड कर दूँगी। तो धीरे से मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। तो देखिए, आप अगर वो लंबे वाले चावल लेंगे ना, पुलाव वाले, तो उससे बहुत ही अच्छा बनेगा ये। अब मैंने बाकी के चावल भी ऐड कर दिए हैं और इसे भी धीरे धीरे करके मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, धीरे धीरे करके मिक्स करना है हमें ताकि हमारे चावल टूटे ना। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, झटपट, बस सब्जियाँ कटकटी होनी चाहिए। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे राइस में। और इसमें सब्जियां जो है आप अपने मन पसंद ले सकते हैं, कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमारा तवा पुलाव यहाँ रेडी है और अब मैं सर्व कर दूंगी इसे। तो मैंने इस तवा पुलाव को रायते और सलाद के साथ सर्व किया है। सब्जियाँ आप कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं।
अब मैं इस कटोरी में डाल दूंगी रायता, और मैंने ये बूंदी का रायता बनाया है। तो कैसी लगी मेरी ये तवा पुलाव की रेसिपी बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।